नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एक ऐसी बीमारी पर यानी कि जो एक वायरस है उस पर बात करने वाले हैं, और जो जिसने कि एक बहुत ही ज्यादा घातक रूप ले लिया है और इससे बहुत ही ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, और जिसका नाम है, हम बात करने वाले हैं आज हम कोरोना वायरस। क्या? कोरोना वायरस पर। तो कोरोना वायरस के बारे में आपने कहीं ना कहीं से तो सुन ही रखा होगा, या आपने कहीं यानी कि आप यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो हैं, आपने उन पर भी सुन रखा होगा या देख रखी होंगी। तो अब आपके बारे में इसमें इसके बारे में आपको अब बता देता हूं कि जो कोरोना वायरस है, क्या जो कोरोना वायरस एक बहुत ही ज्यादा घातक बीमारी, जो घातक बीमारी के रूप ले लिया है इसने, और जो वायरस है इसके बारे में मैं बात बताऊंगा कि आपको कि अभी तक कोरोना वायरस का कोई भी क्या अभी तक कोरोना वायरस का कोई भी वैक्सीन, क्या जो आपकी वैक्सीन वैक्सीन या आप बोल सकते हो इसके दवा या इसका इंजेक्शन, क्या इसका कोई इंजेक्शन नहीं बना पाया है, और इसके यानी कोई भी दवा नहीं बना खोज पाई अभी तक विज्ञानिकों ने। और अगर आप इसकी आज जिस कोरोना वायरस की बात की जाती है, तो जो कोरोना वायरस है वो आपका पक्षी और जानवरों से ज्यादातर फैल रहा है, यानी कि जो पक्षी है और जानवर हैं उनसे बहुत ज्यादा फैल रहा है। और सबसे पहले बताया गया था कि कोरोना वायरस के बारे में बात की जाए तो आपका यह है क्या, सांप सांप और आपका क्या चमगादड़, क्या चमगादड़ से फैला है। लेकिन जो आपका जो जितने भी जो लोग हैं जो नॉन वेजिटेरियन हैं, क्या जितने भी जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनको लिए सचेत हो जाना चाहिए कि अब आप उसका सेवन कम कर दें, और इससे आपके लिए फायदा रहेगा क्योंकि ये जान पक्षी और जानवर से ही ज्यादा फैल रहा है। और अगर आप बात की जाती है कि जो कोरोना वायरस, क्या बात की जाती है कोरोना वायरस है क्या चीज, क्या कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस है जो वायरस का बहुत बड़ा समूह है। कोरोना वायरस एक वायरस नहीं है, जो बहुत बड़ा समूह है। और जो कोरोना वायरस होता है वो क्या आरएनए वायरस होता है, क्या कोरोना वायरस होता है वो क्या आरएनए वायरस होता है, यानी कि आप जे समझ लीजिए आरएनए वायरस का मतलब आपके जीन का संबंध समझ लीजिए। और अगर इसमें और अब आपसे बात की जाती है कि इसका जो नाम कोरोना वायरस ही क्यों पड़ा, क्या इसका नाम कोरोना वायरस ही क्यों पड़ा, तो आपको पता होगा कि मैं आपको इधर एक इमेज दिख रही होगी, आपको इधर एक इमेज दिख रही होगी, उसमें आपको वो क्राउन से निकले दिख रहे होंगे, उसमें से क्या आपको उस इमेज में क्राउन से निकले दिख रहे होंगे, तो उसके लिए उस उन क्राउन को हमने क्या कोरोना बोल दिया। या आप एक बात एक और बात भी आती है निकल के, अगर इसमें एक चीन की तलीनी, क्या एक तलीनी एक भाषा है, क्या तलीनी भाषा है, उसमें इसे क्या कोरोना बोला गया है, क्या इसे क्या कोरोना बोला गया है तलीनी भाषा में। और जो अब इसकी और आगे बात की जाती है कि इसके लिए क्या क्या किया गया है और इसे क्या क्या इसके नाम दिए गए हैं, हम इसके बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं। तो आओ जो आपका जो कोरोना वायरस इस बार आया है, क्या जो कोरोना वायरस इस बार आया है, तो हमने इसे तो लोग जो विज्ञानिकों ने इसे नाम दिया है, तो इसे क्या नाम दिया है, नोवेल कोरोना, क्या दिया है नोवेल कोरोना इसका नाम दिया है। और अगर आप इसकी बात की जाती है कि यह फैलता कैसे है, क्या और बात की जाती है कि फैलता कैसे है, तो आज ज्यादातर जो है वायरस है तो वायरस तो हवा में ही फैल जाते हैं, या फिर आप देख सकते हैं इसके लिए बता गया कि जो हवा में हवा की जो बूंदे होती हैं, क्या हवा की बूंदे यानी कि जो पानी की बूंदे होती है हवा में, हवा की बूंदे समझ लीजिए, पानी में जो हवा की बूंदे होती है उनके माध्यम से यह बहुत ज्यादा फैल रहा है। तो आप सबसे पहले कि आपने यहाँ मुंह को ढककर रखिएगा तो आपको फायदा पड़ेगी। और अगर आपसे बात की जाती है कि अभी तक इसमें क्या अभी तक इसमें कितनी मौतें हो चुकी हैं, यानी कि जो आपके 2019 से लेकर 2010 तक 2020 तक कितनी मौतें हो चुकी हैं, तो आप इसमें तो 2019 से 2018 तक की 2020 तक की मौतें, तो इसमें क्या अभी तक सिर्फ 910 मौतें हो चुकी हैं, क्या 910 एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। और अगर इसके लिए जो सत्यापित हुआ है क्या इन कितने लोगों में यह कोरोना वायरस पाया गया है, तो अभी तक सत्यापित हुआ है क्या वो क्या है आपका 40,554 लोगों को इसमें सत्यापित किया गया है कि इनके अंदर 40,554 लोगों के अंदर क्या कोरोना वायरस फैल चुका है। ठीक है दोस्तों। और अगर टोटल अभी तक की बात की जाती है क्या,
अभी तक की बात, यानी कि शुरू से 2003, 2002 या सबसे पहले क्या 2002, 2002 और 2003 में देखा गया था क्या कोरोना वायरस सबसे पहले क्या कब देखा गया था, 2002 और 2003 में। और जब से तक अभी तक की मौतें अगर बात की जाती हैं तो चाइना में 1800 मौतें हो चुकी हैं। कितनी? 1800 मौतें हो चुकी हैं। और जो आपका कोरोना वायरस की बात आती है तो वो आपके क्या चाइना के क्या वो चाइना के वुहान, क्या चाइना के वुहान शहर से फैला है, क्या वुहान शहर से फैला है। क्लियर दोस्तों? तो आपको इतना पता चल जाएगा। चल चुका होगा। अगर आप इसके लिए बात की जाती है, क्या इसके निदान की बात की जाती है, या सबसे पहले आप पहले इसकी वो देख लीजिए इसके लक्षण क्या होते हैं। तो इसमें कोई खास लक्षण नहीं होते हैं। क्या इसके कोई खास लक्षण नहीं होते हैं? प्रभावित लोग को पता भी नहीं चलता और कोरोना वायरस हो जाता है। तो इसके खास लक्षण तो कोई नहीं है। इसके लिए एक बताया गया कि आपके लिए एक न्यूमोनिया, क्या जो न्यूमोनिया बुखार, न्यूमोनिया बुखार होता है आपके लिए, वो न्यूमोनिया हो सकता है आपके लिए, क्या खांसी हो सकती है, क्या आपके लिए खांसी हो सकती है, आपका सांस लेने में क्या आपके सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है दोस्तों? क्या सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और आप बस आपकी जगह सांस लेने में दिक्कत, न्यूमोनिया। और आपका क्या जो आपके आपका जो गुर्दा होता है उसमें भी क्या थोड़ा दिक्कत, यानी कि दिक्कत हो सकती है, उसमें दर्द हो सकता है। ये आपके इसके जो कारक हैं, ठीक है, ये आपको पता चलेगा कि कैसे। तो आपको अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप डॉक्टर के पास दिखाइएगा। ठीक है उसको, क्या आप अपने डॉक्टर के पास दिखाइएगा तो आपको सही रहेगा आपके हिसाब से। ठीक है? और अगर आप बात की जाती है कि अभी तक इसके लिए कोई आपके लिए इसके लिए कोई आपके लिए कोई इलाज या कारक नहीं है, कारक किया गया यानी कि, तो आपके जो WHO है, क्या WHO है ने, तो इसने एक प्रोटोकॉल, क्या एक प्रोटोकॉल बनाया है, क्या प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल बनाया है। तो उसमें क्या कौन सा प्रोटोकॉल बनाया है, COVID-19, क्या COVID-19 आपका वो प्रोटोकॉल बनाया है। और इसके तहत ही जितने लोग जो इसमें बीमार हो रहे हैं उनके लिए क्या इसके निदान के लिए बात की गई है। और आपको अगर बात की जाती है तो आपके WHO ने क्या COVID-19 बनाया गया है, तो आपसे अगर एक ही बात की जाती है कि मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा अपना ध्यान रखिएगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, यानी कि जो आपके रिश्तेदार हो उनको भी सचेत कीजिएगा कि सही से रहें और आपको इससे ज्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक है दोस्तों? तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल। तो आपके लिए धन्यवाद।